दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद यानी जामा मस्जिद, उसका असली नाम और उसके इतिहास के बारे में? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जामा मस्जिद के इतिहास के बारे में बताएंगे। दिल्ली में मौजूद जामा मस्जिद सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। इस जामा मस्जिद को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों, 6 अक्टूबर 1650 को जामा मस्जिद बनाने का काम शुरू किया गया था। 80 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी इस मस्जिद को 5000 मजदूरों ने 6 साल दिन रात तराशा है। इस मस्जिद के दोनों तरफ 41 मीटर ऊंचे मीनारे तामीर किए गए हैं। मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद भी बनाए गए हैं जो खूब मस्जिद की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। दोस्तों, लाल और संगमरमर से बनाई गई ये मस्जिद 6 साल में बनकर तैयार हो गई। इस मस्जिद को इस तरह से बनाया गया है कि इसके आंगन में 25,000 लोग एक साथ आराम से नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद को बनाने के लिए उस समय के 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। पहले इस मस्जिद का नाम जहानुमा मस्जिद था, जिसका मतलब है सारे जहान को देखने वाली मस्जिद। दोस्तों, इस मस्जिद के बड़े आकार के वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होने लगे थे और लोग इसे जामी मस्जिद बुलाने लगे थे। समय के साथ साथ लोग इस मस्जिद को जामा मस्जिद बुलाने लगे और इस मस्जिद का नाम जामा मस्जिद पड़ गया। दोस्तों, जिस दौर में यह मस्जिद बनी ये वही दौर था जब मुगल वास्तुकला अपने चरम पर थी। ये वही वक्त है जब इस्लामी वास्तुकला कहीं बेहतरीन इमारतों में देखे जानी मिलती थी, क्योंकि शाहजहां ने अपनी हुकूमत में हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत शहर बनाने का सपना देखा था। इसलिए उसने शाहजहांबाद नाम का शहर बसाया था, जो फिलहाल पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसी शहर में जामा मस्जिद बनाई गई थी। दोस्तों, माना जाता है कि शाहजहां का ये आखिरी आर्किटेक्चरल काम था। इसके बाद उन्होंने किसी कलात्मक इमारत का निर्माण नहीं किया। मस्जिद बनने के बाद इसके इमाम को लेकर भी बहुत सोच विचार किया गया। बादशाह शाहजहां चाहते थे कि इस खास मस्जिद के इमाम भी खास हों। बहुत तलाश करने के बाद ये तलाश उज्बेकिस्तान के छोटे से शहर बुखारी में जाकर ख़त्म हुई। दोस्तों, जामा मस्जिद के पहले इमाम बने बुखारी के सैयद अब्दुल गफूर शाह। 24 जुलाई 1656 को सैयद अब्दुल गफूर शाह के इमामत में जामा मस्जिद में पहली बार नमाज अदा की गई, जहां शाहजहां और उसके दरबारियों ने पहली बार नमाज अदा की। दोस्तों, शाहजहां ने सैयद अब्दुल गफूर शाह को इमाम सल्तनत के खिताब से नवाजा। दोस्तों, इस मस्जिद को लाल किले के सामने एक पहाड़ पर बनाया गया ताकि इसका दरवाज़ा दूर से भी दिखाई दे। दोस्तों, तो ये था हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद का खूबसूरत इतिहास। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में।